अस्सलाम वालेकुम। विंडोज़ 11 को एक्टिवेट करने का तरीके का आज हम आपको बताने लगे। पहले आपको स्टेटस दिखा देते हैं। विंडोज़ एक्टिवेटेड, विंडोज़ नॉट एक्टिवेटेड, विंडोज़ 11 प्रो है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से विंडोज़ को एक्टिवेट करने का जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसको अनज़िप करूंगा। एक्सट्रैक्ट करने से आपके पास ये दो फाइल्स आएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टास्क बार में आना है। यहाँ पे एंटीवायरस आपके पास विंडोज़ का सिक्योरिटी वाला होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना और व्यू सिक्योरिटी डैशबोर्ड पे क्लिक करना। लेफ्ट साइड पे आपके पास दूसरा आइकन आ रहा होगा वायरस वाला, वायरस की थ्रेट प्रोटेक्शन पे आपने क्लिक करना है। मैनेज सेटिंग में आना है और रियल टाइम वाली ऑप्शन आपने बंद कर देनी है। इन सबको अनचेक कर देना आपने, उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज कर देना है। फिर इस फाइल को आपने डबल क्लिक करके चलाना है तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड वाली फाइल में पासवर्ड मेंशन की हुई है, आप इसको इंस्टॉल करें डबल क्लिक करके और पासवर्ड पेस्ट कर दें। यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपके पास इस तरह से यस का मैसेज आएगा, आपने यस करना है। इसको सेटअप इंस्टॉल करने वाली स्क्रीन आ जाएगी, नेक्स्ट करना है आपने, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल कर देना है इसको। इंस्टॉल होने के बाद आपने सी ड्राइव में आना है, KMS वाले फोल्डर में आना है और KMS वाली फाइल को आपने चलाना है। इस तरह से आपके पास एग्जी चलेगी, आपने रेड बटन पे क्लिक करना और ये एग्जी क्लोज हो जाएगी। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें आप, विंडोज़ की एक्टिवेशन सर्च करनी है आपने और स्टेटस एक्टिव आ रहा है आपके पास। फिर आपने जो प्रोटेक्शन बंद की हुई थी उसको इनेबल कर देना वापस। थैंक यू।